हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रश्मिति कुक फैन फिक्शन। वन टाइम मेगिन का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हूँ, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो उस दिन के बाद तांग के साथ और नहीं मिला था, और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसके दोनों सन अब उसके पास था, और स्पेशली क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खुश था, यही सोचकर कि उसके एक एल्डर ब्रदर भी है जिसके बारे में वो नहीं जानता था, और अब उसके पास अब और एक भाई है जिसके साथ वो खेल सकता है। जबकि जिमिन के सन ऑलरेडी अपनी स्टडी के लिए हॉस्टल में चला गया है, तो फिर वो अब उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता है, पर अब उसके खुद के एल्डर ब्रदर के साथ वो हर टाइम खेल सकता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। और तांग की 1 वीक के अंदर ही डिवोर्स हो गया था, और वो सारे प्रूफ जो सब कुछ सबमिट कर दिया था, जिस वजह से उसकी डिवोर्स होना ही था, उसके वाइफ की मर्जी नहीं था, पर फिर भी उसे मजबूरन डिवोर्स देना ही पड़ा था क्योंकि अदालत के ही रूल्स था जिसे उसे फॉलो करना था, और इस वजह से उसे मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ा था। और तांग की सिस्टर के भी डिवोर्स हो गया था, जिस वजह से वो खुद भी खुश था कि अब वो फाइनली उसके लवर के पास वापस जा सकता है बिना कोई डरे और बिना कोई सोच लगाए। उसकी मॉम काई और जूही सब लोग अब जेल में था। तांग जंगकुक के साथ दोबारा से मिलना चाहता है, पर जंगकुक उसके साथ मिलने के लिए राजी नहीं है, और इस वजह से तांग सोच रहा था कि उसे जंगकुक को जस्ट भी करके मना नहीं होगा, और इस वजह से वो एवरी डे ही जंगकुक के लिए उसकी हर एक फेवरेट फ्लावर बुके उसके घर में भेजता था। और जंगकुक को जो भी चीज़ पसंद है वो हर एक चीज़, क्योंकि जब तक उसे एक चांस नहीं मिल जाता है वो तब तक हार नहीं मानेगा। इस बार जंगकुक को नहीं छोड़ना चाहता है, और तांग इस वजह से जंगकुक के लिए एक लेटर और एक बुके एवरी डे ही भेज देता था, और लेटर में हमेशा ही सिर्फ ये लिखा होता था कि मेरे साथ एक बार सिर्फ बातें करो। और जंगकुक ये सब कुछ देख देख कर ऑलरेडी बोर हो गया था। आज भी जंगकुक को एक बुके मिला था जिसे देख कर ही जंगकुक गुस्से में आ गया था, और उसके सर्वेंट जो उसे टेबल पर रख दिया था, जंगकुक बुके को देख कर गुस्से में उसे डस्टबिन में फेंक देता है। फिर वो आकर जो अपने दोनों सन के साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है, तब वीम जो अपने धीमे आवाज में कहता है, मॉम आपको नहीं लगता है कि आपको एक बार डैड को सांस देना चाहिए? क्योंकि मैं डैड के साथ थी, मैं जानती हूँ कि डैड आपके लिए अभी भी फील रखता है, तो फिर प्लीज़ मैं आपके पास रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तब जंगकुक अपनी कोल वॉइस में कहता है, तुम्हारे डैड इसके लायक नहीं है, उसे रहने दो, और जिसके साथ रहना चाहता है उसे हैप्पीली रहने दो। तब क्योंकि बीस में कहता है, पर मॉम मेरे डैड कौन है? तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस लेता है और कहता है, मैं ही हूँ, अब चुपचाप तुम अपनी ब्रेकफास्ट को करो और जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, तुम्हें स्कूल में जाना है। तब कुकी सिर्फ जंगकुक की तरफ ही देखने लगता है। तब कुकी की तरफ जंगकुक जब बहुत ही गुस्से से देखने लगता है, तब कुकी जो तुरंत अपने सिर से उठ जाता है और जल्दी से चला जाता है क्योंकि वो अपने मॉम के हाथ से डांट सुनना नहीं चाहता है। तब जंगकुक भी की तरफ देखते हुए कहते हैं, उसके बारे में भूल जाओ, तुम उसके बारे में सोच नहीं सकते हो क्योंकि वो एक ऐसा पर्सन है जो कभी भी मेरी टच के लायक नहीं है। मैं उसके साथ जब था तब मैं उसे फुल मेरी दिल से प्यार करती थी, पर उसके बाद भी वो मुझे छोड़कर चला गया और उसके साथ तुम्हें भी लेकर गया, तो फिर मैं उससे क्या होप कर सकती हूँ? मैं उससे कुछ भी होप नहीं कर सकती हूँ, वो सिर्फ आगे जाकर मुझे फिर से धोखा देगा। अगर उसकी लाइफ में फिर से कोई और आ गया तो मैं उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। वी प्लीज़ मेरी बातों को समझो, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारी डैड खुद ये सब कुछ मैस क्या है, वो अब अगर ये सब को सब ठीक करने की कोशिश करेगा तो फिर नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ ठीक किया नहीं जा सकता है। उसने मेरे दिल को इतनी ज़्यादा बुरी तरह से तोड़ा है कि वो शायद और कभी भी जोड़ भी नहीं सकता है। तब वी ये सुनकर अपनी धीमी आवाज़ में कहते हैं, पर फिर भी मॉम आपको एक बार डैड के साथ बातें तो कर लेना चाहिए, अगर आप उसे चांस नहीं दे सकते हैं मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि डैड की भी गलती है, मैं जानती हूँ, पर फिर भी मैं चाहती हूँ आप एक बार डैड को चांस दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि आगे जाकर सिर्फ हम दोनों एक बार आपके साथ एक बार डैड के साथ सिर्फ ऐसे बिखरते हुए रहे, मैं चाहती हूँ कि हम चार एक साथ रहे। कुकी को भी एक दिन ये जानना ही पड़ेगा, वो हर वक्त आपको डैड आपको ही मॉम समझता है, पर वो कभी भी ये समझ नहीं सकता है हमारी और एक डैड भी है जिसके साथ हम लोग पहले रहते थे, पर मैं अब सच में ऐसा नहीं चाहती हूँ, आगे जाकर सिर्फ हम लोग सैरी रहेंगे, अब कभी भी क्या मूव ऑन कर सकते हैं? अगर
आप कर सकते थे तो फिर आप क्या इतने सालों में नहीं कर लेते? पर आप नहीं कर पाए हैं। डैड भी नहीं कर पाया है। डैड किसी से शादी कर लिया था, पर मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मॉम, डैड कभी भी उस औरत के साथ कभी भी अपने नाइट टक्स स्पेंड नहीं किया है, यहाँ तक तो उसके साथ अपने घर में तक नहीं रुका है। वो हमेशा ही सिर्फ बाहर रहता था, और अगर वो जब भी घर में आता भी था तब वो हर वक्त सिर्फ मेरे साथ रहता था। हर वक्त वो मेरी रूम में रहता था, कभी भी उसकी तरफ ना तो देखा है ना तो उसके साथ ज़्यादा बातें भी किया है। तब ये सुनकर चंगू की एक लंबा सांस सुरता है और कहते, तो फिर तुम सोचते हो मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करूँ? तब ये सुनकर भी तुरंत कहते, आपको ट्रस्ट करना चाहिए। अब जानते हैं कि आप लोगों के बीच में जो भी कुछ था वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, कि वो सब कुछ डैड की फैमिली ने किया था। हम लोग ऐसे ही तो आप दोनों को अलग नहीं देख सकते हैं, तो फिर प्लीज़ आप सिर्फ एक सांस दीजिए, क्योंकि डैड आपको धोखा नहीं दिया है। डैड सिर्फ उस टाइम गलत सोचा था। अगर आप उस जगह पर होते और अगर आप किसी को देखते कि आपकी हस्बैंड मतलब डैड आपको धोखा देकर किसी और के साथ रहने की कोशिश कर रहा है, तब आपको कैसा फील होता? डैड को भी सेम ही फील हो रहा था। इसी वजह से डैड ने ऐसा किया था। तब शंभू को अपनी धीमी आवाज़ में कहा था, पर मैं ऐसा नहीं करती, मैं उसके ऊपर पहले ट्रस्ट करती, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता इस वर्ल्ड से भी ज़्यादा। तब ये सुनकर भी तुरंत कहते हैं, पर मॉम उस टाइम पर डैड की हालत ठीक नहीं था, डैड गलत सोचा था, इंसान गलत करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे माफ़ नहीं करेंगे। एक सांस दीजिए और उसके बाद आपकी मर्ज़ी आप क्या करेंगे, पर एक बिना सांस देकर आपको नहीं लगता है डैड ऐसे ही रह जाएगा और कभी भी शायद मूव ऑन भी नहीं करेगा, आप भी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप दोनों ही सिर्फ एक दूसरे से दूरियां बनाकर रखकर एक दूसरे को हर्ट करेंगे, तो फिर प्लीज़ इसे करना बंद कीजिए और एक दूसरे के साथ हैप्पीली रहना स्टार्ट कीजिए। तब ये सुनकर चंगू अपने कोल वॉइस में कहते हैं, तुम्हें क्या अपने स्कूल में नहीं जाना है? जल्दी से रेडी हो जाओ और कुकी के साथ चले जाओ। तब ये सुनकर भी और कुछ भी नहीं कहता है और अपनी सीट से उठकर वहाँ से चला जाता है। पर चंगू कभी भी अपनी सीट पर ही बैठा हुआ था और सिर्फ अपनी फूड की तरफ ही देख रहा था। फिर कुकी और भीम जब अपने स्कूल के लिए चला जाता है, तभी जंगकुक तुरंत जो डस्टबिन के पास जाता है और उस फ्लावर बुके को उठा लेता है और जल्दी से उससे वो नोट निकालते हुए उससे जो टांग की नंबर लिखा हुआ था उसे उठा लेता है और जल्दी से उसे कॉल करता है। तब टांग जब अचानक से ही एक अननोन नंबर से कॉल पाता है, तब वो जंगकुक होप करके जल्दी से कॉल को उठा लेता है और जो तुरंत अपनी धीमी आवाज में कहते हैं जंगकुक। तब जंगकुक जो अचानक से शॉक हो गया था कि टांग को कैसे पता कि ये वो होगा और इतनी ज़्यादा कॉल भी उठा लिया है। तब जंगकुक अपनी कोल वॉइस में कहते हैं, तुम क्या सबको ही ऐसे ही सोचते हो? तब टांग कहते हैं, नहीं, क्योंकि जब भी तुम मुझे कॉल करते हो तब ये मेरी दिल कहता है। तब ये सुनकर जंगकुक पूरी तरह से शांत हो जाता है। तब टांग जो फिर से जंगकुक को कहते हैं, तो फिर तुम क्या मुझे एक सांस दोगे, एक साथ बातें करें? तब जंगकुक अपने कोल वॉइस में कहते हैं, मेरे घर में आ जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बाहर जाऊंगी और मैं मीडिया के लोगों के सामने जाना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि सब लोग सिर्फ अब तुम्हारी और मेरी तरफ ध्यान देता है जो मुझे नहीं पसंद। तब ये सुनकर टांग उसे तुरंत हाँ कह देता है और उसके बाद कॉल को कट करके जल्दी से जंगकुक के घर की तरफ चला जाता है। वो एक घंटे बाद ही जंगकुक के घर में पहुंच जाता है और वो पहुंचने के तुरंत बाद ही जो डोरबेल बजाने लगता है। तब जंगकुक आकर डोर को ओपन कर देता है। तब टांग जंगकुक को देखकर स्माइल करता है और तुरंत कहते हैं, जंगकुक तुम क्या सच में? तभी जंगकुक उसे काट देता है और कहते हैं, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाता तो फिर तुम यहाँ पर नहीं आ पाते, चुपचाप आप अंदर आ जाओ। और ये कहकर जंगकुक जो टांग को लेकर हॉल रूम में पहुंच जाता है और वो दोनों ही जो काउच पर बैठ जाता है, दोनों में से कोई भी बातें भी नहीं कर रहा था। उन दोनों के बीच में एक अनकंफर्टेबल मोमेंट था। फिर कुछ सेकंड बाद जंगकुक जो टांग को कहते हैं, मैं सीरियस हूँ, इस बार तुम क्या सीरियस हो मुझे लेकर? तब टांग तुरंत जो जंगकुक को कहते हैं, मैं हमेशा से सीरियस था, मैं सिर्फ उस टाइम पर गलत सोचा था और उस टाइम पर मैं शादी भी नहीं करना चाहती थी, पर मेरी मॉम ने मुझे ब्लैकमेल किया था, वरना और कुछ भी नहीं था। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस सुरते हुए कहते हैं, ठीक है मैं समझ गई, अगर
तुम मुझसे सांस चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें एक सांस दे सकती हूँ, पर एक बात याद रखना कि यही तुम्हारी लास्ट सांस होगा। अगर तुम इस बार इसे तोड़ते हो तो फिर होल लाइफ के लिए मुझे भूल जाना। तब तंग तुरंत कहते हैं, मैं इस सांस को कभी भी जाने नहीं दूंगी। तब ये सुनकर जंगकुक सिर्फ वो कह देता है। और उसके बाद ओम जो फिर से कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, तुम्हें हाउस हस्बैंड बनना होगा जैसे मैं शुरुआत में था। तब ये सुनकर तंग जो बिना कोई टाइम वेस्ट के तुरंत कहते हैं, हाँ मैं बन जाऊंगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तब जंगकुक कहते हैं, ठीक है, अगर तुम हाउस हस्बैंड बन सकते हो तो फिर ये अच्छा है, और तुम्हें आज से ही बनना होगा। अगर तुम कर पाते हो तो फिर मैं सीरियस होकर कह रही हूँ, मैं शायद तुम्हारे साथ रहूँगी। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं, थैंक यू सो मच मुझे सांस देने के लिए। तब जंगकुक कहते, इतने भी ज़्यादा खुश मत हो, ये सिर्फ तुम्हारी एक सांस ही है। तब तांग कहते हैं, ये मेरी लाइफ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब ये सुनकर जंगकुक सिर्फ उसकी तरफ ही देखने लगता है। फिर वो कहते हैं, तुम्हें अपने करियर छोड़ना होगा। तब ये सुनकर तंग एक सेकंड के लिए शॉक था, पर वो तुरंत कहते हैं, मैं छोड़ दूंगी। तब जंगकुक कहते हैं, सोच समझ कर बातें करो, तुम मॉडलिंग नहीं कर सकते हो, तुम बाहर नहीं जा सकते हो, अपनी लग्जरी लाइफ को स्पेंड नहीं कर सकते हो, जो मनी मैं तुम्हें दूंगी तुम्हें वही लेना होगा। तब ये सुनकर भी तंग तुरंत कहते हैं, मैं घर से ही बाहर नहीं जाऊंगी तो फिर मैं मनी के क्या करूंगी, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मेरी फैमिली की देखभाल करना चाहती हूँ। इसे सुनने के बाद जंगकुक जो फिर से शॉक हो गया था कि तंग अभी भी उसके लिए क्रेजी था, एक टाइम ऐसा भी था जब तंग सेम ऐसा ही क्रेजी था, अब फिर से वो सेम क्रेजी ही देख पा रहा है। तब जंगकुक कहते हैं, ठीक है, और ये कहकर जंगकुक अपनी जगह से उठकर जाने लगता है। तभी तंग आकर जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत शॉक होकर कहते हैं, क्या कह रहे हो तुम, तुम्हें सिर्फ मैं आज ही चांस दिया हूँ और तुम आज ही ऐसे बदतमीज तरीके से बातें कर रहे हो। तब तंग जंगकुक को कहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पहले कुछ भी नहीं किए थे, मैं सिर्फ तुमसे एक किस इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि मैं 5 ईयर से तुम्हें मिस किया हूँ, और मैं सिर्फ एक किस से चाहती हूँ, मैं इससे आगे और कुछ भी नहीं चाहूँगी, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो प्लीज़। तब ये सुनकर जंगकुक जो सोचने लगता है, फिर वो तंग को कहते हैं, ठीक है, सिर्फ एक किस ही। तब ये सुनने के बाद ही तंग जो जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए तुरंत अपने पास किस लेता है और उसकी लिप्स को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगता है। ना तो कोई टीट था, ना कोई लाज था, सिर्फ तंग जंगकुक के लिप्स को लिक कर रहा था और सक कर रहा था बहुत ही प्यार से। उसे किस करने के बाद तंग किस को ब्रेक करके स्माइल करते हुए कहते हैं, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में फिर से आने के लिए, मुझे फिर से खुश करने के लिए। तब जंगकुक कहते हैं, मैं अब मेरी वर्क के लिए जा रही हूँ, तुम अपने अब हाउस हस्बैंड के काम स्टार्ट कर दो। और ये कहकर जंगकुक जो जल्दी से वहाँ से चला जाता है, पर उसकी हेयर थोड़ा सा रेड हो गया था जिसे तंग नोटिस नहीं किया था। 6 महीने बाद जंगकुक और तंग जब अभी सेम ही था, तंग सिर्फ जंगकुक को एक किस ही कर सकता था और इसके बाद और कुछ भी नहीं कर सकता था, न तो तंग किस से चाहत भी था क्योंकि वो जंगकुक को फोर्स नहीं कर सकता है। कभी कभार उसकी मन करता है वो जंगकुक को इससे भी ज़्यादा ट्रस्ट करेगा, पर वो खुद को कंट्रोल कर सकता है, वो जंगकुक को देख पा रहा है, उसे किस कर पा रहा है ब्रीडे, इससे ज़्यादा और उसे क्या चाहिए। और उसके साथ वो हाउस हस्बैंड के काम भी बहुत ही अच्छी तरह से कर रहा था, पर कुकिंग करने के टाइम अभी भी उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल फील होता है क्योंकि उसके हाथ कहीं ना कहीं तरीके से एवरी डे ही जल जाता है। और जिस बारे में तंग जो थोड़ा सा टेंशन में था कि वो कैसे कुकिंग करना सीखेगा, उस तरह से कुकिंग करना कभी सीख ही नहीं सकता है, पर अब उसकी कुकिंग स्किल थोड़ा सा बेटर भी हो गया था जो अब खाने के लायक था और उसकी फूड को अब सब लोग ही पसंद करता था, सब लोग जो एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। तब जंगकुक अपने कोल वॉइस में कहता है, तंग कल मेरे घर में एक बिजनेस पार्टी होने वाला है तो फिर सबको उसका प्रिपरेशन कर लेना। तब ये सुनकर तंग तुरंत स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, मैं सब कुछ कर लूँगी, तुम्हें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है जंगकुक। तब अचानक से कुकी कहता है, मॉम मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगी। तब ये सुनकर जंगकुक अपने कोल वॉइस में कहता है, क्यों नहीं जाओगे। तब तंग कहता है, कुकी तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम जब स्कूल जाकर हाई स्कूल में जाओगे तब तुम देखना तुम मेरे जैसा ही एक हस्बैंड को पा जाओगे
जैसे मैं तुम्हारी मॉम को पाई हूँ, तुम भी एक ब्यूटीफुल, एक स्मार्ट, एक हस्बैंड को पाओगे या तो वाइफ को पाओगे। तब ये सुनकर कुकी एक्साइटेड होकर कहते हैं, सच में मैं मॉम की तरह एक ब्यूटीफुल पर्सन को पाऊंगी। तब तंग तुरंत कहते हैं, हाँ ज़रूर पाओगे, पर इसके लिए तुम्हें हार्ड स्टडी करना होगा ताकि तुम्हें एक ब्यूटीफुल पर्सन मिले जैसे मैं और तुम्हारी मॉम एक साथ हूँ। तब ये सुनकर कुकी और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं, तो फिर मैं जाऊँगी। तब ये सुनकर सब लोग जो थोड़ा सा स्माइल करता है, पर युजंगो की फेस एकदम इमोशनल लेस फेस के साथ सिर्फ तांग की तरफ ही देख रहा था कि कैसे तांग उसके सन को ऐसे बातें कह सकता है। और जंगो को अपनी कोल वॉइस में कहता है, मेरी सन को ऐसे बातें बिल्कुल भी मत कहना। तब तांग कहते, वो मेरा भी है और मैं उसे कौंसल करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो स्कूल में इंटरेस्ट रखे, और वो ऐसे भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, तो फिर अगर मैं तुम्हारी बातें करूँगी तो फिर ऑब्वियसली वो जाने के लिए राज़ी हो जाएगा। तब जंगू क्या सुनकर फिर से रेड हो जाता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता है। पर वो अचानक से तांग के हाथ में कुछ रेड और कुछ ब्लैक मार्क देख पाता है, जिसे देखने के बाद ही जंगू सिर्फ उसकी तरफ ही देखने लगता है। तब तांग जब इसे नोटिस करता है तब वो तुरंत अपने हाथ को छुपा लेता है, क्योंकि उसे अभी भी याद है पास्ट के टाइम पर जब भी तंग जंगू को हेल्प करने के लिए किचन में जाता था और उसके हाथ में थोड़ा सा कट भी आ जाता था, तब जंगू कितनी ज़्यादा टेंशन में आ जाता था, और वो नहीं चाहता है जंगू कब उसके लिए टेंशन में आ जाए। फिर जंगू जो तंग को भी कुछ भी नहीं कहता है और वो अपने सिर से उठकर अपने वर्क के लिए चला जाता है, और तंग जो अपने दोनों सन को लेकर स्कूल में चला जाता है। और उन दोनों को रखने के बाद तंग एवरी डे की तरह ही अपनी घर की हर एक वर्क को कर लेता है। फिर उसके काम ख़त्म होने के बाद जंगकुक जब आकर डिनर करने के लिए बैठ जाता है तब तंग उसे सर्व कर देता है। तब जंगकुक तंग को ऑफर करते हुए कहते हैं, मेरे साथ बैठो, तुम्हें आज अकेला खाने की ज़रूरत नहीं है। तब तंग तुरंत कहता है, जंगकुक मेरे आज खाने की मन नहीं है, इस वजह से मैं नहीं खाऊंगी, तुम खा लो, नेक्स्ट टाइम हम लोग एक साथ खाएंगे। तब ये सुनकर जंगकुक अचानक से शौक था, क्योंकि तंग उसके साथ एवरी डे ही खाना पसंद करता था, पर आज क्यों ऐसा हुआ है। तब वो खुद भी कुछ भी नहीं कहता है, ऐसा नहीं था कि तंग खाना नहीं चाहता है, पर उसकी भूख ऑलरेडी चला गया था और उसके हाथ की वजह से उसकी मन भी नहीं था कि वो अब खाना भी खाएगा। फिर वो जाकर जो सब कुछ क्लीन करके अपने रूम में जाकर सो जाता है, और वो आधे घंटे के अंदर ही पूरी तरह से गहरी नींद में चला जाता है। तब जंगकुक जो एक घंटे बाद अपने हाथ में फिस्केट बॉक्स लेकर तंग के रूम में आता है, और आने के बाद वो देखता है कि तंग पीसफुली सो रहा था। तब उसके पास जाकर जंगकुक जब तंग के हाथ को चेक करता है तब वो देखता है उसके हाथ में अभी भी जलने के निशान था। इसे देखकर जंगकुक जब नेक्स्ट को टाइटली बंद करके रखता है, वो कभी भी तंग को इतने ज़्यादा हार्ट होते हुए नहीं देख सकता था, पर तंग उन लोग के लिए इतने ज़्यादा हार्ट हो रहा है, पर फिर भी वो एक भी बातें तक नहीं किया है, जबकि जंगकुक उसके साथ सिर्फ और सिर्फ कोल बिहेव करता है, पर फिर भी तंग शांत है। तंग सचमें जंगकुक को लेकर इस बार सीरियस है। इसे देखकर जंगकुक को रिग्रेट फील होने लगता है, उसके आईज में आंसू आने लगता है, पर वो तुरंत ही उसे पूछ कर जल्दी से तंग के हाथ में मेडिसिन अप्लाई कर देता है, और उसके बाद वो जो तंग के हाथ पर सफले किस करता है और उसके फोरहेड और उसके पूरे फेस पर किस करते हुए अपनी धीमी आवाज में कहता है, क्यों इतने ज़्यादा टॉर्चर सह रहे हो, यहाँ से चले क्यों नहीं चाहते हो, तुम्हें क्या इतनी बुरी तरह से मुझे चाहने के लिए सब कुछ करना है, अगर तुम नहीं चाहते हो तो फिर चले जाओ, तुम ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर जंगकुक जो अपना आइस को बंद कर लेता है, पर उसके आइस के आंसू जो तंग के फेस पर गिर जाता है। तब जंगकुक जो तुरंत रूम से बाहर चला जाता है, तब तंग अपना आइस को ओपन कर लेता है और अपनी सीख से जंगकुक के आंसू को पोंछ लेता है, और थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुम्हें सुनकर नहीं जा सकती हूँ कि जंगकुक, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए क्रेजी हूँ और मैं तुम्हें सुनकर जाने से पहले खुद को मार देना सही समझूंगी। और ये कहकर तंग थोड़ा सा स्माइल करता है और कुछ देर बाद फिर से सो जाता है। नेक्स्ट डे इवनिंग के टाइम पर पार्टी हो रहा था, और तंग जो सब कुछ परफेक्ट तरीके से बनाने के लिए हर कुछ कर दिया था और एकदम सब कुछ परफेक्ट ही था, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था और खुद के ऊपर प्राउड फील कर रहा था कि वो तांग के जैसे एक हस्बैंड पाया है जो सब काम में ही एकदम परफेक्ट है। तब जंगकुक जो एक कॉर्नर में अपने कुछ पार्टनर के साथ बातें कर रहा था, और
तंग खुद तो एक साइड कॉर्नर में खड़ा हुआ था क्योंकि वो वहाँ पर नहीं जाना चाहता है। और स्पेशली तंग जानता है अब तक चंकुक और उसके बारे में तो कोई नहीं जानता है। अगर वो अब यहाँ पर आया तो फिर अब सब लोग सिर्फ उसकी तरफ ही ध्यान देगा, जो तंग बिल्कुल भी नहीं चाहता है। फिर अचानक से ही एक बॉय चंकुक को डांस के लिए ऑफर करता है। तब चंकुक उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके साथ डांस करने के लिए चला जाता है। और तंग जिसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो अपने दांत को पीस कर सिर्फ उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। वो दोनों कपल डांस कर रहा था, जिसे देखकर तंग के मन कर रहा था कि तंग जाकर सीधा उसे स्लैप मार देगा। तब तंग इसे देखकर सिर्फ चुपचाप देख रहा था। तब एक गर्ल आकर तंग को जब देख लेता है, तब वो स्मेल करते हुए कहते हैं, अरे किम तंग हो ना तुम? तब तंग तुरंत कहते हैं, हाँ मैं किम तंग हूँ। तब वो गर्ल कहते हैं, क्यों ना हम दोनों डांस करें? तब ये सुनकर तंग एक बार चंकुक की तरफ देखता है, जो लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोजली डांस कर रहा था। तब ये देखकर तंग जो थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। और ये कहकर तंग उस गर्ल के हाथ को पकड़ लेता है और उसे लेकर डांस फ्लोर पर चला जाता है, जहाँ पर चंकुक और वो बॉय डांस कर रहा था। चंकुक थोड़ा अनकम्फर्टेबल था कि ये बॉय क्यों इतने ज़्यादा उसे पास क्लोज किस रहा है, और इस वजह से चंकुक उससे थोड़ा थोड़ा दूरियाँ भी बना कर रख रहा था और ट्राई कर रहा था कि उन दोनों के ज़्यादा बॉडी कॉन्टेक्ट बिल्कुल भी ना हो। पर वो जब तंग को देखता है कि वो किसी गर्ल के साथ है, तब वो ये देखकर पूरी तरह से शॉक हो गया था। उसकी नज़र सिर्फ तंग और उस गर्ल की तरफ ही था। तब वो गर्ल जो तंग के और भी ज़्यादा क्लोज आ जाता है और तंग के नेक के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब तंग उसके वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा क्लोज किस लेता है। तब ये देखकर चंकुक और भी ज़्यादा शॉक था। तब तंग और उस गर्ल के डांस को देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था, पर सब लोग खुश था कि तंग फाइनली मूव ऑन कर ही लिया है उस गर्ल से। तब चंकुक जो अचानक से ही डांस करना बंद कर देता है। तब चंकुक के पार्टनर कहते हैं, अरे चंकुक तुम डांस क्यों नहीं कर रहे हो? तब चंकुक अपने दांत को पीस तो ही कहते हैं, मुझे छोड़ दो। और ये कहकर चंकुक उसके हाथ को छुटा देता है और फोर्सफुली जो उसे खुद के पास से अलग करते हुए वो तंग उस गर्ल के पास जाता है। और वहाँ पर जाकर तंग की तरफ चंकुक गुस्से से देखते हुए उन दोनों को रोक देता है और अपनी कोल भर्स में कहते हैं, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तब तंग कहता है, डांस कर रहे हैं। तब चंकुक कहता है, मुझे पता है। तब ये सुनकर तंग कहता है, तो फिर मैं क्या करूँ? तब चंकुक उस गर्ल के हाथ को पकड़ता है और उसे दूर धक्का देते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरे साथ डांस कर सकते हो, आई एम राइट किम तंग? तब यह सुनकर तंग की फेस पर एक बॉक्स स्माइल आ जाता है और कहता है, तो फिर किम चंकुक क्या मेरे साथ डांस करना चाहता है? तब चंकुक जो तुरंत कहते हैं, ऑब्वियसली करना चाहता है किम तंग, तुम्हारी हस्बैंड किम चंकुक क्यों नहीं कर सकता है? तब तंग दिल में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि चंकुक उसे फाइनली एक्सेप्ट कर ही लिया है। तब चंकुक और तंग से एक साथ स्मूथली डांस करने लगता है। तब सब लोग और भी ज़्यादा सरप्राइज था, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल कपल लग रहा था और सब लोग और भी ज़्यादा खुश लग रहा था। तब तंग जो चंकुक के और भी ज़्यादा करीब आने लगता है और उसकी तरफ झुकने लगता है। तब चंकुक सिर्फ अपनी पपी आइस के साथ तंग की तरफ ही देख रहा था, पर वो दोनों ही जो अपने आन जाने में ही एक दूसरे की लिप्स को पकड़ लेता है और सबके सामने एक दूसरे को किस करते हुए स्मूथली डांस करने लगता है। तब ये देखकर जो सब लोग और भी ज़्यादा शॉक हो गया था, उन लोगों की सिर्फ बॉडी मूव हो रहा था पर वो दोनों किस में पूरी तरह से माइल्ड हो गया था। वो दोनों एक दूसरे को किस करने में इतने ज़्यादा खो गया था कि वो लोग भूल भी गया था कि यहाँ पर बहुत सारा लोग हैं। फिर कुछ मिनट बाद किस को ब्रेक करते हुए तंग चंकुक की तरफ देखते हुए कहता है, तो फिर तुम सीरियसली? तभी चंकुक उसे काट देता है और कहता है, मैं सीरियसली तुम्हें चाहती हूँ और मैं तुम्हें माफ़ कर दिया हूँ। तुम इतनी टाइम से बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट सह रहे हो, तुम्हें और हाउस हस्बैंड बनने की ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनकर तंग थोड़ा सा स्माइल करता है और चंकुक के कान के पास झुककर कहता है, पर मैं बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी हाउस हस्बैंड बनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। तब ये सुनकर चंकुक जो फिर से शॉक हो गया था कि सच में तंग अपने करियर को सच में छोड़ देगा, तब
जंगकुक के कॉन्फ्यूज फेस को देखकर तंग तुरंत कहता है, मैं मेरी करियर को छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना, मेरी इस छोटे से फैमिली के लिए कुकिंग करना, हर एक काम करना, मैं हर कुछ पसंद करती हूँ। तब यह सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। तब तंग सिर्फ स्माइल करता है और उसके बाद वो जंगकुक की तरफ सिर्फ देखने लगता है। तब जंगकुक जो तंग की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और तुरंत ही जो टेस्ट उतर जाता है और तुरंत जो एक माइक को ले लेता है और उसके बाद सबके अटेंशन ग्रैब करते हुए जंगकुक अपने कोल वॉइस में कहते हैं, सब लोग कॉन्फ्यूज है अम राइट कि यहाँ पर किम तंग और मेरी रिलेशनशिप क्या है, क्यों हम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। आई नो कि सब लोग अब बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज हैं, पर सबकी जानकारी के लिए मैं ये बोल दूँ। और ये कहकर उस तंग की तरफ देखता है और उसकी करीब आने की इशारा करता है। तब तंग तुरंत जंगकुक के पास चला जाता है। तब जंगकुक उसके हाथ को पकड़ लेता है और एक बनी स्माइल के साथ कहते हैं, ये मेरी हस्बैंड किम तंग है और हम दोनों की दोस्त भी है। इसे सुनने के बाद सब लोग जो एक सेकंड के लिए शॉक हो गया था, उन लोगों को पता था कि जंगकुक की एक सन है पर दो ये तो नहीं पता था और उन दोनों की क्यों, और इस वजह से सब लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज था। तब तंग सबकी कॉन्फ्यूज फेस को देखकर तुरंत जंगकुक के हाथ से माइक को ले लेता है और जंगकुक के वॉइस के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए एक प्राउडली स्माइल के साथ कहते हैं, हम दोनों जब यूनिवर्सिटी में थे तब हम दोनों शादी कर लिए थे और उसके बाद हम दोनों की एक सन थी, पर अनलकीली हम दोनों अलग हो गए थे क्योंकि जैसे मेरी वाइफ के साथ मेरी डिवोर्स हो गया है सिर्फ एक रीज़न की वजह से, क्योंकि मेरी मॉम डैड और मेरी ब्रदर इन लॉ ये सब लोग मुझे और जंगकुक को पसंद नहीं करता था और इस वजह से सब लोग की प्लान था मुझे और जंगकुक को अलग करना और वो लोग कर दिया था और मुझे ब्लैकमेल करके उस गर्ल के साथ मुझे शादी कराया था, पर मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और 5 ईयर बाद मैं जंगकुक के पास फिर से वापस आ गई हूँ क्योंकि मैं उसके अलावा नहीं रह सकती हूँ, चाहे वो लोग जो भी प्लान क्यों ना कर ले। उस टाइम पर मुझे सिर्फ ये पता था जंगकुक मुझे धोखा दिया है जो पूरी तरह से झूठ था, और इस वजह से अब हम दोनों फिर से एक साथ हैं और हम दोनों फिर से एक साथ रहना चाहते हैं और हम लोग जल्द ही फिर से शादी करेंगे। तब ये सुनकर सब लोग जो एक सेकेंड के लिए शॉक हो गया था, पर कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। तब तंग जो स्माइल करते हुए कहते हैं, तो फिर आप सब लोग पार्टी को इंजॉय कर सकता है। और ये कहकर उस जंगकुक की लिप्स पर एक पिक करता है। तब जंगकुक जो ब्लश करने लगता है और तंग के निक में अपनी फेस को छुपा लेता है। तब तंग इसे देखकर सिर्फ स्माइल करता है। तब कुकी और वी जो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो दोनों ही जो तंग और जंगकुक को शेयर करने लगता है तो वो दोनों बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस करें, पर वो दोनों ऐसा नहीं करता है। फिर पार्टी ख़त्म होने के बाद जंगकुक और तंग जो सिर्फ एक दूसरे की तरफ ही देख रहा था, तब भी जो अचानक से जंगकुक और तंग के पास आकर कहते हैं, मॉम डैड अब दोनों जब के एक साथ हैं तो फिर आज से क्या आप दोनों एक साथ रहेंगे। तब यह सुनकर जंगकुक तुरंत कहते हैं, क्यों हम दोनों क्या एक साथ नहीं रह सकते हैं, हम दोनों अगर एक साथ हैं तो फिर हम दोनों ऑब्वियसली एक साथ ही रहेंगे। तब यह सुनकर भीम जो एक साथ ढोकर कहते हैं, तो फिर मैं मेरी एक न्यू एक छोटा सा भाई या तो सिस्टर की होप कर रही हूँ। तब यह सुनकर जंगकुक क्या पूरी तरह से रेड हो जाता है, पर वो अपने कोल फेस के साथ कहते हैं, क्या तुम बातें कर रहे हो, तुम इतनी ज़्यादा शेमलेस कैसे हो सकते हो। तब तंग सुनकर वो अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है और हंसते हुए कहते हैं, वी प्लीज़ ऐसे बातें मत करो। तब वी कहते हैं, पर डैड मैं ऐसे बातें क्यों नहीं कर सकती हूँ, मुझे पता है आप दोनों कितने ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है क्योंकि मुझे जितना दूर याद है मैं मेरी 6 से 8 तक तो आप दोनों को एक साथ देखा ही हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा रेड हो जाता है और कहते हैं, वी चुप करो कुकी यहाँ पर है। तब ये सुनकर कुकी कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, ह्योंग अब क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या बड़ा भाई बनूंगी। तब ये सुनकर भी स्माइल करता है और कहते हैं, हाँ ज़रूर, पर उसके लिए हम दोनों को अब मॉम डैड को टाइम देना होगा। और ये कहकर भी जो एक स्माइल के साथ जंगकुक और तंग को वहाँ पर छोड़ कर चला जाता है। तब जंगकुक जो तंग को कहते हैं, वो दोनों इतने ज़्यादा क्यों शेमलेस हैं। तब तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और अपने धीमी आवाज़ में कहते हैं, शायद हम लोग को एक बार सोचना चाहिए इस बारे में। तब
जंगुक तुरंत कहते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ आज ही चांस दिया हूँ। तब त्यांग कहते, तो फिर क्या हुआ है? मैं तुम्हें प्रूफ कर दिया हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी, और तुम जानते हो मैं ऐसा कभी करूँगी भी नहीं, तो फिर तुम्हें ऐसे भी मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनकर जंगुक और भी ज़्यादा रेड हो जाते हैं। तब त्यांग उसके सिन को पकड़ते हुए सोले सोले उसके करीब जाने लगता है और थोड़ा सा झुककर उसके लिप्स को फिर से पकड़ लेता है, और इस बार वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस करने लगता है। फिर उस मिनट बाद किस को ब्रेक करते हुए जंगुक तुरंत कहते हैं, चलो रूम में चलते हैं। तब त्यांग तुरंत हाँ कह देता है, और उसके बाद वो दोनों ही तो जंगुक के रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद ही जंगुक जो तुरंत ही अपनी शर्ट को उतर कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब ये देखकर तुम स्मार करते हुए कहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत ही टाइम से वेट कर रहे थे। तब जंगुक कहते हैं, ऑलमोस्ट 6 ईयर हो गया है, मैं तुम्हें मिस करती हूँ। तब ये सुनकर त्यांग कहते हैं, मैं भी तुम्हें मिस करते हो। तब जंगुक तुरंत कहते हैं, नहीं करते हो। तब त्यांग कहते हैं, मैं करती हूँ। तब जंगुक कहते, कितने लोगों के साथ मेरी लव इंटीमेट हुए हो। तब त्यांग तुरंत कहते हैं, जब फर्स्ट टाइम तुम मेरे थे, लास्ट टाइम भी तुम मेरे ही थे, बीच में कोई भी नहीं आया है। तब ये सुनकर जंगुक दिल में बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है, तो फिर कंटिन्यू करो, तुम भी मिस किया हो ना। तब ये सुनकर त्यांग जो स्मार करता है और उसके बाद तुरंत जंगुक को बेड पर धक्का दे देता है, और उसके ऊपर आकर तुरंत उसके नेक पर अटैक करते हुए उसके नेक को सक करने लगता है और लिक करने लगता है। तब जंगुक जो सोली सोली अपने हाथ त्यांग की शर्ट के अंदर लेकर गया था और उसके शर्ट के बटन को अनबटन करने लगा था, और सोली सोली मौन भी कर रहा था। फिर त्यांग जो खुद भी जंगुक के सामने पूरी तरह से हाफ नेकेड था, तब ये देखकर जंगुक सिर्फ त्यांग की तरफ ही देखने लगता है। उसके फेस पूरी तरह से रेड हो गया था, त्यांग पहले से भी अब और भी ज़्यादा हॉट बन गया था। तब ये देखकर त्यांग स्मार करते हुए कहते हैं, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। तब जंगुक कहते हैं, तुम पहले से भी ज़्यादा हॉट बन गए हो। तब ये सुनकर त्यांग सिर्फ स्मार करता है और कहता है, ओबियसली मैं बन गई हूँ। तब जंगुक कहते हैं, सिर्फ मेरे साथ लव मेकिंग करना स्टार्ट करो, मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ। तब ये सुनकर त्यांग स्मार करते हुए जंगुक और उसकी बाकी क्लोथ को हटा देता है, और जंगुक के लेग्स को ओपन करते हुए कहते हैं, तुम जानते हो मैं तुम्हें लेकर मैं ये ऑलमोस्ट पूरे 6 ईयर से कितनी ज़्यादा वेट डिम्स देखा हूँ। तब ये सुनकर जंगुक कहते हैं, क्यों वेट डिम्स देख रहे थे? तब त्यांग कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें मिस करती थी। तब ये सुनकर जंगुक स्माइल करते हुए कहते हैं, तो फिर अब मिस मत करो, अपनी वेट डिम्स को जल्दी से रियलिटी में पूरा करो। तब ये सुनकर त्यांग कहते हैं, पर इसके लिए बहुत कुछ लगेगा। तब जंगुक कहते हैं, क्या कहना चाहते हो? तुम ये मत कहना कि तुम ट्वाइस ही उसके थे। तब ये सुनकर त्यांग जो स्मार करते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं था, पर मैं ज़रूर उसे भी ट्राई करूँगी। और ये कहकर त्यांग जो जंगुक के लेग्स के बीच में बैठ जाता है और कहते हैं, मेरे पास ल्यूब नहीं है। तब जंगुक कहते हैं, मैं फिकर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें सीधा फील करना चाहती हूँ, तो फिर ल्यूब लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे ही बेड पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, मैं और कुछ भी नहीं चाहती हूँ। तब ये सुनकर त्यांग कहते हैं, पर पेन? तब जंगुक कहते हैं, मैं संभाल लूँगी। तब ये सुनकर त्यांग स्मार करते हुए कहते हैं, तुम बुरी तरह से मुझे मिस किया हो ना। तब ये सुनकर जंगुक कहते हैं, ऑब्वियसली। तब ये सुनकर त्यांग और कोई भी आंसर नहीं करता है, पर तुरंत जंगुक की लिप्स को पकड़ लेता है और सोली सोली उसके अंदर खुद को स्लाइड कर देता है। तब जंगुक जो सिर्फ अपना आइस को बंद करके रखा था और किस पर फोकस कर रहा था, क्योंकि उसे सिर में पेन हो रहा था, उसे फर्स्ट टाइम की तरह लग रहा था, पूरे 6 ईयर हो गया है और लोग इंटीमेट नहीं हुआ है, तो फिर अब ये जंगुक के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड फील हो रहा था। पर त्यांग जो कुछ सेकंड बाद मूव करने लगता है और वो तब तक जेंटल रहता है जब तक जंगुक मना नहीं लेता है। फिर जंगुक जब त्यांग के साथ मना लेता है और मौन करने लगता है, तब त्यांग जो अचानक से अपनी स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है और एक बिट्स की तरह जंगुक के साथ लव मेकिंग करने लगता है। जंगुक सिर्फ मौन कर रहा था और वो त्यांग के बैक पर बहुत सारे कार्ड्स मार्क भी दे रहा था। सुबह के 7 बज जाकर त्यांग जो रुक जाता है और वो जंगुक की तरफ देखता है जो अपने आइस को बंद करके रखा था। बहुत ही ज़्यादा जंगुक टायर्ड भी हो गया था। तब
ये देख करतम खुद के ऊपर प्राउड फील करने लगता है। और उसके बाद वो जो जल्दी से बाथरूम में जाकर खुद को क्लीन करके जंगू को भी क्लीन करके उसके साथ ही बेड पर लेट जाता है और उसके निक पर सफले किस करते हुए कहता है, मैं इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर तंग जंगू को हक करके ऐसे ही सो जाता है। 1 ईयर बाद तंग जो मॉडलिंग करना तो पूरी तरह से छोड़ दिया था और वो अब अपने कोई भी कंपनी के साथ अब ना तो कोलैबोरेशन भी कर रहा था ना वो कोई भी वर्क भी करना चाहता है। पर 1 मंथ से वो जंगू की कंपनी की न्यू सीईओ बन गया था और वहाँ पर वर्क कर रहा था क्योंकि अब जंगू के 4 मंथ चल रहा था और तंग नहीं चाहता है जंगू किस टाइम पर वर्क भी करे। और इस वजह से वो अब जंगू की हर तरह से देखभाल करने की कोशिश करता है और जंगू को हर तरह से हेल्प करने के लिए उसकी कंपनी का न्यू सीईओ बन गया था जो तंग को बिल्कुल भी इंटरेस्ट भी नहीं था। पर वो सिर्फ ये सब कुछ जंगू के लिए कर रहा था और वो एवरीडे घर में आने के बाद भी जंगू की हर तरह से देखभाल करता था, उसके लिए कुकिंग करना, उसकी हर एक ज़रूरत को पूरा करना, हर एक चीज़। तंग जब घर की तरफ जा रहा था तब वो जाने के पहले वो जंगू के लिए कुछ स्ट्रॉबेरीज ले लेता है और उसके बाद वो जो मेंशन में चला जाता है। जाने के बाद वो देखता है जंगू जो उसके लिए वेट कर रहा था और कुकी उसके लैप पर बैठा हुआ था। इसे देखने के बाद तंग जो तुरंत उन दोनों के पास जाते हैं और स्ट्रॉबेरीज को जल्दी से टेबल पर रखते हुए कुकी को कहते हैं, कुकी क्या कर रहे हो, जल्दी से अपनी मॉम की लैप के ऊपर से उठो वरना मॉम को हर्ट होगा। तब जंगू कहते तंग प्लीज, तब कुकी कहते हैं पर डैड, तब तंग कहते हैं तुम बाद में उठोगे, देखो तुम्हारी मॉम अब इस हालत में नहीं है कि वो तुम्हें लैप पर ले सकता है, डैड है ना, डैड तुम्हें ले सकता है। तब ये सुनकर कुकी स्माइल करता है और तंग की तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगता है। तब तंग कहते हैं माई बिग बेबी, और ये कहकर तंग जो जंगू के पास बैठ जाता है और उसे अपने लैप पर उठा लेता है। तब कुकी जो स्माइल करता है और कहता है मैं क्या स्ट्रॉबेरीज ले सकती हूँ, तब तंग कहते हैं मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आई हूँ। और ये कहकर तंग कुकी के लिए कुछ जो स्ट्रॉबेरी लेकर आया था उसे वो दे देता है और जंगू के लिए जो लेकर आया था वो जंगू को दे देता है। तब जंगू और कुकी दोनों ही स्ट्रॉबेरीज को खा रहा था और जंगू की पूरी माउथ जो स्ट्रॉबेरीज से भर गया था और उसके लिप्स के एरिया में भी स्ट्रॉबेरीज के रेड मार्क लग गया था। तब ये देखकर तंग हंसने लगता है और कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। तब जंगू कहता है मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ। तब ये सुनकर तंग कहते नहीं तुम ब्यूटीफुल हो। तब ये सुनकर जंगू की एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते तुम बुरा इंसान हो। तब ये सुनकर तंग स्माइल करते हुए कहता है आई नो मैं बुरा इंसान हूँ और ये बुरा इंसान तुम्हारा है। और ये कहकर वो कुकी के सामने ही जंगू के लिप्स पर पिक करता है। तब कुकी सिर्फ अपने पप्पी आइज से सब कुछ देखने लगता है। तब जंगू तुरंत कहते हैं जाओ और अपने ह्यूंग के साथ खेलो। तब कुकी हाँ कहकर तुरंत वहाँ से चला जाता है। तब जंगू कहते तुम इतनी ज़्यादा शिमलेस क्यों हो। तब तंग कहते हैं क्यों मैं क्या नहीं हो सकती हूँ, तुम तो मेरी हस्बैंड ही हो तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है अगर मैं तुम्हें किस करती हूँ। तब जंगू कहते पर कुकी के सामने, तब तंग कहते हैं जब भी छोटा था तब भी हम लोग ऐसे ही करते थे तो फिर अब ये सब कुछ कहना फ़ायदा नहीं होगा। तब जंगू की एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा हो। तब तंग कहते हैं मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब ये सुनकर जंगू जो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है मैं भी। तब तंग उसे अपने पास खींच कर जंगू को अपने लैप में बैठा लेता है। तब जंगू एक बेबी की तरह तंग के निक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसकी निक में अपनी फेस को छुपा लेता है जिस वजह से तंग की निक जंगू के फेस पर जो स्ट्रॉबेरीज लगा हुआ था वो लग जाता है। पर तंग स्माइल करते हुए जंगू की बैक को रब करते हुए कहता है मैं तुमसे भी ज़्यादा प्यार करती हूँ तुम्हें। तब यह सुनकर जंगू कहता है मैं भी। तब तंग और कोई भी आंसर नहीं करता है और जंगू को ऐसे ही हक करके रखता है और वो जो अपना इसको बंद करके रखता है क्योंकि वो इसे बहुत ही ज़्यादा मिस करता है। तब जंगू खुद भी जो तंग के सारे टेस्ट को फिल कर रहा था और दोनों ही एक दूसरे को ऐसे ही हक करके रखता है जैसे यही उन दोनों की लाइफ है और वो दोनों अगर इस सबको ब्रेक कर देगा तब उन दोनों की लाइफ ख़त्म हो जाएगा। और वो दोनों ही ऐसे ही तब तक हक करके रखता है जब तक जंगू तंग की नेक में ही अपने फेस को रखकर सो नहीं जाता है। तब तंग ये देखकर स्माइल करता है और वो जो जंगू को लेकर अपने रूम में चला जाता है।
और उसे बेड पर लेटा कर उसकी फेस को क्लीन करते हुए वो उसके हाथ से स्ट्रॉबेरीज भी ले लेता है और उसके हाथ को भी क्लीन करते हुए वो जो जाकर सेंस करके जंगकुक के पास लेट जाता है और उसे पीसेस हग करते हुए उसके स्टमक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए खुद भी अपने आइस को बंद करते हुए सो जाता है। और यहाँ पर ये खत्म हो जाता है।